देखिए, पानी हिंदू और मुसलमान कैसे हो सकता है? झगड़ा वहाँ मुसलमान तो है ही नहीं वहाँ, झगड़ा दो दुकानदार का है, ये वो भी हिंदू है वो भी हिंदू है, कोई मुसलमान का तो मामला नहीं है, ये बिलावजह का बात है। और लड़ाई इस बात के लिए नहीं है, पानी का नल जो पिछले 60 साल से चल रहा था, उस नल को क्यों हटाया गया? लड़ाई इस बात के लिए क्यों आपने हटा दिया? नरेश सैनी साहब गए थे, अभी नरेश सैनी साहब को गिरफ्तार करके लिया, इसलिए हम लोग पार्टी के लोग, मैं भी और जिला अध्यक्ष भी, हम लोग नगर अध्यक्ष भी आए हैं। लड़ाई इस बात के लिए नहीं है कि आप हिंदू मुसलमान करने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि भाजपा के पास कोई रास्ता नहीं रहा। भाजपा के लोग जवाब नहीं दे सकते कि कोरोना के अंदर जलती हुई चिताओं की आग कभी ठंडी नहीं हुई है। कोरोना के अंदर मरे हुए लोग, जो कोरोना के अंदर हमारे लोग गए हैं, उनका जो अंतिम संस्कार असम्मानजनक तरीके से सरकार ने कराने का काम किया है, उसको लोग भूले नहीं हैं। ये पानी को हिंदू और मुसलमान ना करें, ये लड़ाई ना मुसलमान की है ना हिंदू की है, ये लड़ाई जनहित की है। पानी 60 साल से चलता हुआ नल क्यों रोक दिया गया, क्यों हटा दिया गया बिना किसी कारण के? आपने जाकर के सीधा कटर से उसको नल को काट दिया, जबकि वो जो नल का विरोध कर रहे हैं वो खुराना साहब, वो कोई मुसलमान नहीं है, वो कोई मुसलमान नहीं है, लेकिन ये क्योंकि हिंदू मुसलमान करना है बिलावजह नाम दे रहे हैं। नहीं तो वो अधिकारी, वो कहना है कि वो जांच करने के उपरांत ही हटाया गया, वो रास्ते में अवरोध पैदा कर रहा था, दिक्कत थी उससे, जांच थी। तो आप जाके देख लीजिए ना, आप खुद जाके देख लीजिए, रास्ते में अगर अवरोध पैदा कर रहा था तो आप जाके देख लीजिए। अब कांग्रेस का स्टैंड क्या है, हैंडपंप वहाँ पर नहीं लगेगा या लगेगा, क्या कांग्रेस का क्या वार्ता हुई है बाबू? देखिए, हमने कहा है कि आप नल लगवाइए, इन्होंने कहा है कि हम इसे चेक कर रहे हैं। हम बाजार के अंदर, बाजार में क्या मुसलमान आते हैं? बाजार में सबका बाजार है, सब लोगों का आना है, सबकी दुकानें, क्या हिंदू की मुसलमान की दुकानें हैं वहाँ पर? सारे मेरे हिंदू भाइयों की दुकानें। तो इन्होंने कहा है कि बाजार के अंदर नल लगेगा, ये आश्वासन हमें प्रशासन ने दिया है और दोनों विधायकों को रिहा किया है इसी आश्वासन के साथ। मेरे पास टेलीफोन आता है कि हमारा नल काट के वो कटर से वो बाहर डाल दिया गया है, और वो कटर, वो जो नल था, वो एक काम्बोज परिवार वहाँ रहता है, वो 80 साल के बुजुर्ग हैं। जब मैं वहाँ गया, उनके आंखों में आंसू थे, उन्होंने कहा कि बेटा मैंने ये 60 साल पहले लगवा था अपने पैसे से, 20 साल वो साधारण नल चला और 40 साल से वो नगर पंचायत का नल चल रहा है। उस नल से किसी को कोई आपत्ति नहीं थी, किसी को कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि उस नल पे जो देहात से आदमी आता था वो पानी पीता था, वो 20 रुपये की बोतल तो नहीं पी सकता, वो उससे कोई कस्बे के अंदर वो एंट्री नहीं कर सकता किसी के घर में, लेकिन कस्बे के अंदर उसे कहीं यदि था तो उस नल पे पानी पीता था। उस नल का पानी का स्वाद भी अच्छा था, आसपास उसके नल बहुत थे, लेकिन उस स्वाद, वो लगातार जो नल ज़्यादा चलता है उसका पानी अच्छा होता है। आज आप जब पहुँचे थे तो उसके लिए मैं आपसे बता दूँ थोड़ा सा, उस नल को जब मेरे हिंदू साथियों का, खुराना जी का फ़ोन आया, काम्बोज जी का फ़ोन आया, उन्हें कि ऐसे ऐसा हो गया, तो मैंने कहा मैं आ रहा हूँ और मैं आपके लिए आके जाके देखूँगा। मैं गया और वो नल जब काट देता तो मैंने देखा कि भाई ये नल बिल्कुल सही था, दो दुकानों के बीच में था, स्लेब के बीच में था, उसमें किसी को आपत्ति नहीं थी। उसका नल की जो डंडी है वो खुराना जी की दुकान की तरफ थी, उसकी पानी की निकासी खुराना जी की दुकान की तरफ थी, लेकिन ये दुकान एक प्रॉपर्टी डीलर ने खरीद ली, इसलिए उन्होंने पैसे की अपनी मार्केट बढ़ानी थी, अपनी दुकान की कीमत बढ़ानी थी, इसलिए ये नल न तो हिंदू का है ना मुसलमान का है, ये इंसानियत का नल था, ये प्यार मोहब्बत का नल था, भेंट की जनता का नल था। इसके लिए मैं वहाँ गया और मुझे बड़ा दुख हुआ, और मेरे से फिर मैं जब धरने पे बैठ गया, मेरे विधायक जी मेरे साथ थे, मेरे अध्यक्ष मेरे साथ थे, श्याम मसूद मेरे साथ था, उन्होंने वहाँ से आश्वासन दिया प्रशासन ने कि कल हम यही नल शुरू कर देंगे। वो नल शुरू करने की उन्होंने बात कही, लेकिन कल जब हिंदूवादी लोग उनके सामने वहाँ जाकर नल के ऊपर हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, कौन सा लॉजिक था हनुमान चालीसा पढ़ने का? आप अपने घरों में पढ़िए, आप वहाँ पर जाकर एक माहौल ख़राब करना चाहते थे, लेकिन जब वो माहौल ख़राब किया, मैंने वार्ता की कल एसपी साहब से, डीएम साहब से, मैंने कहा माहौल ख़राब ना करो, उन्होंने आश्वासन दिया हमारे से कि हम नल लगवाओगे। आज मैं, हम जो लोग गए अमन चैन के लिए, हमारे लोग कल जो चालीसा पढ़ रहे थे, हम लोग अपने लोगों से कहने के लिए, अपील करने के लिए गए थे, हम अमन चाहते हैं भेंट में, हम हिंदू मुसलमान नहीं होने देंगे, इसलिए हम वहाँ जा रहे थे। हम दोनों विधायकों को गिरफ्तार करने का काम प्रशासन ने किया। अब कांग्रेस क्या करेगी, क्या हैंडपंप वहाँ पर लगेगा या नहीं लगेगा? अधिकारी पूरा विश्वास दिला रहे हैं हैंडपंप लगेगा, इनके विश्वास पे विश्वास है, मेरे लगवाने का काम करेंगे।